सब्सक्राइब करिए द ब्रो पोल्ट्री चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को पोल्ट्री से जुड़ी हुई सारी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हाय, मैं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। आज है यार संडे और संडे को आता है मेरा संडे वाला सवाल, तो देख लेते हैं आज किसके किसके संडे वाले के सवाल सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि मैं बहुत ही जल्दी एक पोल्ट्री यूट्यूबर के साथ जो है कोलैब करने वाला हूं। तो आपको क्या लगता है वो पोल्ट्री यूट्यूबर कौन होगा? जो भी आपको जो भी समझ में आता है नीचे डिस्क्रिप्शन को सॉरी कमेंट में मुझे बताओ कि मैं किस यूट्यूबर के साथ कमेंट का ये कोलैब करने वाला हूं, यानी कि मिलके एक उसके साथ एक नई वीडियो बनाने वाला हूं अपने चैनल के लिए। और बताना चाहूंगा इसके साथ एक और नई अपडेट कि मैं जल्दी ही जो है कि आपको ये बताने वाला हूं कि आप फीडर और ड्रिंकर, काफी सारे लोग पूछ रहे थे यार फीडर कहां से लें, ड्रिंकर कहां से लें और पोल्ट्री की जो मेडिसिन है वो कहां से लें। तो उसके लिए मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को एक ऐसा पोर्टल बताने वाला हूं या फिर एक ऐसे डीलर से बता दूंगा जहां से, या फिर आप मेरे थ्रू से या डीलर के थ्रू से आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अगर इसके आगे चलते हैं बात कर लेते हैं संडे वाले सवाल के पहले क्वेश्चन की, सॉरी पहले कमेंट की, तो वो है नीलेश यादव की तरफ से। ये पूछते हैं सर ये बताइए कि मैं कंपनी से संपर्क कैसे करूं। तो यार संपर्क कंपनी से संपर्क क्या करना है, आप नॉर्मली लिखो कॉर्पोरेट ऑफिस इन वेंकिस कॉर्पोरेट ऑफिस, तो वहां के उनके कॉर्पोरेट ऑफिस का नंबर आ जाएगा, उनके पास कॉल करो, उनसे पूछो अपने एरिया के बारे में बताओ, वो खुद आपके एरिया में की सारी डिटेल आपको दे देंगे कि कौन मैनेजर है, कौन वहां का सब कुछ हैंडल करता है, तो वो कंपनी वाले खुद ही कर लेंगे। नेक्स्ट कमेंट है प्रताप सिंह का, ये पूछते हैं भाई आपका फॉर्म कितना, भाई आपका फॉर्म का काम कितना काम हो गया है, फॉर्म कंप्लीट खर्चा कितना हुआ है, उसकी वीडियो बनाओ। तो हाँ यार उसकी वीडियो तो आना बहुत डिले हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इधर काम है, और फॉर्म की बात करूँ तो फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, अब उसके अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके आगे चलते हैं हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कमेंट की, तो नेक्स्ट कमेंट है परेश का, ये पूछते हैं कितना ml पानी में दवा मिलानी है। तो यार दवा जो मिलानी है उसके ऊपर डोज लिखा रहता है, जो भी दवा आप लेने जाएंगे उसके ऊपर लिखा रहेगा कि कितने ml में देना है या फिर कितने बड पे देना है, तो उस हिसाब से ही आप मिला दीजिए। अगर नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कमेंट है अरबाज खान का, ये कहते हैं भाई क्या पहले हफ्ते में चिक्स को 24/7 लाइट देना है या नहीं, भाई इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दीजिए कि चिक्स को फर्स्ट डे से लास्ट डे तक कितना लाइट देना है। तो यार इस पे तो काफ़ी जहाँ पे मैंने पढ़ा है वहाँ पे काफ़ी जगह डॉक्टरों में कुछ वो था, मतलब विरोधाभास था, कुछ लोगों का कहना था कि 24/7 शुरू से लेकर लास्ट तक 24/7 देना है, लेकिन कुछ लोगों का कहना था नहीं यार शुरू से लेकर लास्ट तक 24/7 नहीं देना है, कुछ कुछ कम करना है, लाइट को कम करना है, ये कम करना है, वो कम करना, तो उस टॉपिक पे तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। वैसे तो एक पक्ष तो मैंने बता ही दिया कि 24/7 लाइट देना, लेकिन दूसरा पक्ष जो कहता है कि कम लाइट देना है, थोड़ा घटा बढ़ा कर लाइट देना है, तो वो वाला पक्ष की एक वीडियो में बना दूंगा। नेक्स्ट कमेंट है नावेद अली का, ये कहते हैं भाई फार्म में रैकिंग का क्या मतलब होता है। रैकिंग का मतलब ये होता है ना, जो हम लोग जो बिछावन होता है भूसी होता है उसको पैर से या फिर जो है कोई हत्था होता है हाथ वाला जो घिसते ना, मतलब जो भूसी होती है जो फार्म में भूसी होती है उसको ऊपर नीचे करना ताकि भूसी सूखी रहे, उसी को जो है रैकिंग कहते हैं। अगर नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं तो नेक्स्ट कमेंट है जावेद हुसैन का, ये कहते हैं 1000 मुर्गियों में ऑटोमेटिक ड्रिंकर का क्या कितना कॉस्ट आएगा। तो बताना चाहूँगा 1000 मुर्गियों के लिए आप कितना 25 ड्रिंकर लगवाओगे या मैक्सिमम 30 है, उसके बाद या फिर 25 या 20 ड्रिंकर लगवाओगे, तो एक ड्रिंकर की कीमत 240 से 300 रुपये तक की होगी, 300 रुपये वाला ड्रिंकर काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद बताना चाहूँगा पाइप का खर्चा आएगा, जो पाइप जाएगी मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब टंकी से लेके पाइप जाएगी, उसके बाद टंकी का खर्चा आएगा, उसके बाद आएगा लेबर का खर्चा, तो सारा जोड़ी लो यार क्या ये ड्रिंकर का खर्चा 240 से 280 सॉरी 300 रुपये तक, उसके बाद बाकी खर्चा अपना जोड़ लो। दिवेश का कहना है कि भाई गैस ब्रूडर के बारे में जानकारी, तो गैस ब्रूडर के बारे में कुछ ऐसी जानकारी है नहीं, गैस चाहिए और गैस के लिए जो उससे हीट करने वाला रहता है वो चाहिए, बस लाइट कटती है या फिर कुछ भी होता है जो भी आपको चाहिए, तो माचिस जलाओ उसके गैस उसका गैस पाइपलाइन हल्का सा खोलो और वहाँ पे हीट का मतलब वहाँ पे माचिस दिखाओ वो जलने लगेगा और कुछ टाइम में वो हीट देना चालू कर देता है। तो बस यार गैस ब्रूडर के बारे में यही सारी बात है, वैसे बोलोगे तो मेरा जो गैस ब्रूडर है उस पर एक वीडियो बना ही दूंगा, वैसे है वो कुछ खास गैस ब्रूडर नहीं है। इलियास का कहना है कि कितना दाना खाने पर कितना पानी
पीता है। अगर देखो यार ठंडी का मौसम है तो 1 ml एक ग्राम दाना खाएगा तो 1 ml पानी पिएगा, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो 1 ग्राम दाना खाने पे 2 ml, 4 ml, 5 ml तक भी, 6 ml तक भी पानी पी सकता है जितनी गर्मी पड़ती है उस हिसाब से। तो बस यार आज के यही सारे सवाल थे संडे के, तो बताना चाहूँगा कि अभी कोलैब करने वाला हूँ, तो सिर्फ आप लोग गेस करके बताओ कि मैं किसके साथ कोलैब करने वाला हूँ, यानी कि किसके साथ मिलके एक नई वीडियो, किस पोल्ट्री यूट्यूबर के साथ मिलके एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ। और दूसरी बात यह कि एक जल्द ही जो है मैं फीडर ड्रिंकर और मेडिसिन आप मेरे थ्रू से भी ले सकते हैं। तो बस यार आज की यही सारी एक पोल्ट्री के सवाल थे संडे वाले सवाल के, तो नेक्स्ट संडे वाले सवाल के लिए अच्छे अच्छे सवाल पूछे, शायद वो सवाल आपका ही सिलेक्ट हो जाए नेक्स्ट संडे वाले सवाल के लिए। तो बस यार मैं हूँ हुसैन अली खान, आप देख रहे थे द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।